दिल्ली में बिजली पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सीएम के घर के बाहर महिला कार्यकर्ताओं ने घड़े तोड़े और जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में बिजली और पानी की समस्या इस कदर हावी हो रही है, इसको लेकर कांग्रेस के ये महिला विंग आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस तरह प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इससे पहले कृष्णानगर में भी लोगों ने बिजली पानी की समस्या को लेकर कल प्रदर्शन किया था और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के ठीक सामने कांग्रेस विंग की ये महिला कार्यकर्ता बिजली पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। बार यही पूछने आए हैं कि ना दिल्ली में बिजली है ना पानी है, कैसी राजधानी है। हमें उनको उन्हें हमको जवाब देना होगा जिन वादों को करके वो अपनी सरकार को लेकर आए हैं। कौन से वादे निभा रहे हैं? बिजली की किल्लत है, पानी की किल्लत है, जनता इतनी परेशान है कि हम लोगों को आज ये खाली घड़े और पंखे लेकर यहाँ पर उनको आना पड़ा दिखाने के लिए कि देखिए क्या हाल कर दिया उन्होंने दिल्ली की जनता का। मैम गोवा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बारे में सुध नहीं है। वो पूरे देश में कब्जा करना चाह रहे हैं, उन्हें दिल्ली की सुध नहीं है। यहाँ पर तो उन्होंने सब खराब कर ही दिया है सिस्टम, अब उनका नेक्स्ट टारगेट गोवा, पंजाब, सब जगह वो यही करने वाले हैं। अभिनव उपाध्याय न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता इस खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का विरोध कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब गर्मी का मौसम, लोगों को बिजली पानी से दिक्कत हो रही है, क्या इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब आधिकारिक आया है? जी हाँ, देखिए सरकार जो है आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिजली कंपनियों के साथ में एक बैठक करने वाले हैं जो कि 2 बजे होने वाली है। जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों जिस तरह से गर्मी बढ़ी है और जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, साफ तौर पर विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा मिल गया है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को घेरने का, और लोगों की परेशानी काफी बढ़ चुकी है। लिहाजा ये प्रोटेस्ट आज दिल्ली महिला कांग्रेस की तरफ से किया गया है। वहीं सरकार जो है आज बैठक करके इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर सकती है। शुक्रिया अभिनव आपका इस तमाम जानकारी के लिए।